हाय गाइस, आप लोग का बहुत 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 स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वापस एक नई वीडियो दिखा चुके हैं, जिसमें वापस एक बार बात करेंगे अपने वर्क वे के चैप्टर 10 के बारे में। आज हम क्लियर करेंगे स्टेज 13 चैप्टर 10 की। तो यार देखो, ये स्टेज भी वर्क वे के चैप्टर 10 के जैसी, मतलब सबके जैसे ही टफ है। मतलब ये चैप्टर 10 में जितनी भी स्टेजेस हैं अभी तक मिली हैं मेरे को, मैं किसी को भी ये नहीं बोल सकता बिल्कुल हलवा स्टेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें ट्रिक पता है तो हलवा लगेगी, मतलब उस स्टेज को तरीका पता है करने का तो तुम्हें हलवा लगेगा, बाकी तो बहुत डिफिकल्ट स्टेजेस हैं सारी ही। देखो यार, सच्चाई ये है कि मतलब जैसे कि इस वाली स्टेज में भी अगर तुम्हें तरीका पता है तो तुम कर ले जाओगे, अगर तरीका नहीं पता है तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब इस वाली ये जो चैप्टर 10 है ना, इसमें पूरा चैप्टर 10 में मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है एक एक स्टेज में, तब जाके हो रही हैं ये स्टेजेस। मतलब वो नहीं है जैसे कि पहले के चैप्टर, मतलब चैप्टर 9 देख उठा लो, चैप्टर 8 उठा लो, उसमें क्या है पूरे वगवे के 15 स्टेजेस में से ऐसा है कि मतलब मान लो मैक्सिमम 5 या 7 ही डिफिकल्ट होती हैं। भाई साहब, इसमें मतलब 7 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 या 4-5 ही डिफिकल्ट होती हैं तगड़ी वाली, लेकिन बाकी सब इजी होती हैं। इसमें यार मुझे को 15 में से मेरे को ऐसा लग रहा है 12-13 तो टफ ही होंगी। हाँ, लेकिन इतना है कि अगर तुम्हें पता है पैटर्न, पता है कैसे करना है, और मतलब तुमने सही साठ दिमाग लगा लिया कि हाँ ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, तो मतलब हर स्टेज की अलग अपनी ट्रिक है। तो यार इसकी ट्रिक सुनो, अगर ट्रिक्स यूज़ नहीं की है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो शुरुआत में यार तुम्हें जितने भी एनिमीज आ रहे हो ना, तुम आने देना, मतलब एक टाइम तक आने देना, जब एनिमीज सामने से आने कम हो जाएं तब तुम्हें फायर करना। अभी सिर्फ डिफेंस करो, तुम जितना अपना स्टोन टावर, रॉक टावर वगैरह लगा सकते हो लगाओ, इलेक्ट्रिक टावर लगाओ, मतलब कुल मिला के तुम्हें अभी सिर्फ डिफेंसिव खेलना है। जब अग्रेसिव खेलना होगा बताऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए डिफेंसिव खेलो, अपने T5 तोपे वगैरह मारते रहो, डेड शॉट से, डेड शॉट का मेन काम यही है। तो देखो यार, अब जब एक मोमेंट पे जब सारे तुम रॉक टावर लगा लोगे ठीक ठाक और इलेक्ट्रिक टावर लगा लोगे, वैसे रॉक टावर 3 लेयर से ज़्यादा मत बढ़ना, 3 लेयर से ज़्यादा तब बढ़ना जब मतलब मत ही बनना, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ो, 3 लेयर से ज़्यादा बढ़ने का मतलब है क्रिस्टल बर्बाद करना, क्योंकि अगर तुम 3 लेयर बढ़ पा रहे हो तो मतलब सामने वाले जो एनिमीज हैं तुम्हें अच्छा खासा डैमेज दे नहीं पा रहे तुम्हारे रॉक टावर्स को, तो इससे बढ़िया तुम डायरेक्ट बेस पे हिट करने की कोशिश करना। तो देखो यार, अब इस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि एनिमीज सामने से बहुत कम आ रहे हैं, तो अभी पता है अपन को क्या करना है, अभी बस 3 लेयर रॉक टावर की बना दो, उसके बाद अपन को सीधा अग्रेसिव खेलना था, अपन को सामने के टावर्स तोड़ने थे अपने T2C से, T2 ही यूज़ करना, क्योंकि आई डोंट थिंक T1 काम कर पाएंगे यहाँ पे, और T3 आई थिंक यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि T3 के यार क्रिस्टल भी ज़्यादा लेगी और तोड़ भी नहीं पाएंगे, तो इससे बढ़िया T2 यूज़ करना हो, आई थिंक T3 हो सकता काम कर भी जाए, मेरे को देखो पता नहीं क्योंकि मैंने T3 यूज़ किया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम T2 ही यूज़ करना। अब देखो यार, यहाँ पे वो रॉक टावर मेरे दो टूट गए इकट्ठे, वैसे एक तो पहले से ही लगभग टूटने ही वाला था, उसके आगे मैंने लगा दिया था, लेकिन अभी अपन वहाँ पे ज़्यादा देखेंगे नहीं अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टावर टूट गया तो इलेक्ट्रिक टावर बर्न हो सकते हैं, तो जब वो टूट गया लास्ट वाला, तो बस एक मतलब लास्ट में इस पॉइंट पे तुम्हें बस इतना करना है कि एक टावर होना चाहिए रॉक टावर आगे, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग देखो यार, ये इनको जाने दो, पहले आराम से जाने दो इनको, कोई जल्दी नहीं है इनको, मतलब डेड शॉट वगैरह मार के इनको जाने दो, ख़त्म। अब जैसे ही तुम्हारे अब क्रिस्टल बढ़ चुके हैं, अब देखो तुम्हें करना क्या है, अभी मेन काम स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे जल्दी से तुम नहीं कर पाए तो यार स्टेज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी और टाइम की कमी की वजह से हार जाओगे। यहाँ पे तुम्हें ये दो छोड़ने हैं यार, T4 तोपे जो कि डायरेक्ट बेस को हिट करें, और ये वाला मॉन्स्टर जो कि डायरेक्ट बेस को हिट करें, बस अगर तुम इतना कर गए तो आसान हो जाएगी स्टेज। और इसके पीछे ये छोड़ देना अगर मन हो तो, मतलब मन हो क्या, मतलब जल्दी करने के लिए छोड़ ही देना, वरना 3 सेकंड से तो हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। तो बस इतना ही था यार स्टेज में, अगर तुम समझ गए होगे तो ये स्टेज बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बस यार एंड किया जाए वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।